हाय बच्चा पार्टी, मैं अमन सिंह अपने चैनल इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मेंद्र बिश्नोई की बुक का, है ना, बहुपद का 2E। मैंने पहला जो है वीडियो डाल दिया है, पार्ट वन, ये पार्ट सेकंड है और इसमें हम लोग इस चैप्टर को कर देंगे, सॉरी, इस एक्सरसाइज को कर देंगे ख़त्म। ओके, चलिए, मैंने गुणनखंड करना सिखाया था उसमें, अगर आप नहीं देखे हो, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको देख लें। ओके, चलिए करते हैं सवाल को। 18वां सवाल है, 2x² - 13xy + 15y² बहुत ही मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है बेटा। देखो, जो एक्स स्क्वायर का, इसको हम क्या, फिर से मैं बता दूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी से कंपेयर करते हैं। तो देखो, ए की जगह पे क्या है 2 और सी की जगह पे क्या है 15। तो क्या करते हैं ना कि ए और सी को सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो मान लो कि मैंने कर दिया गुणा, 15 दुना कितना हो गया बेटा, 30 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना होता है कि ये जो मेरा गुणा करने पे आया है, है ना, ये 30, अब ये कौन सा, मतलब कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये जो बीच वाला बी होता है ना, बी 13, मतलब कि पॉजिटिव आया है। तो इसको ऐसा फैक्टर करें कि, इसको फैक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, इसको फैक्टर करें, गुणनखंड ऐसा करें, ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पे 13 आ जाए, जोड़ने पे कितना आ जाए बेटा, 13 आ जाए, ठीक है। तो 30 को अगर मैं फैक्टर करूँ तो 10 × 3 कितना आ जाएगा बेटा, 30, ठीक है। और फिर 10 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छे तरीके से आपने कर दिया सर। हाँ बेटा, ऐसे ही किया जाता है। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो 2x² और माइनस, अब यहाँ पे देखो 13xy को हम लोग लिख सकते हैं 10xy और प्लस 3xy, माइनस बाहर है इसलिए इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है बाबू। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, चलो 10xy। अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने लिख दिया प्लस 3xy और प्लस में ये हो गया 15y², ठीक है बेटा। चलो 2x² और माइनस, अब ये अंदर जब जाएगा 10xy, ये भी माइनस कर देगा इसको, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, और प्लस ये 15y² हो जाएगा। चलो बेटा, अब क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है, ठीक है मेरे लड्डू गोपालो। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, देखो 2 भी कॉमन मिल जाएगा, x भी कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से क्या हो गया x, और माइनस यहाँ पे देखो 10 में से 2 अगर कॉमन निकालोगे तो 5 बचेगा, और x तो बाहर पहले निकल गया है तो x -5y। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और 3 कॉमन ले लो और y कॉमन ले लो, देखो 3 भी निकल गया, y भी निकल गया, अब x सिर्फ बचा तो x लिख दो, माइनस बाहर था, है ना, तो अंदर जो है वो माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब यहाँ से 3 कॉमन उठाओगे तो 5 बचेगा और यहाँ से 1y बच जाएगा। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ये जो दोनों जो हमने कॉमन लिया है, ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आएंगे विद साइन, अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने सवाल कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। तो x माइनस 5y और एक ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे 2x - 3y। बेटा ये देखो, ये जो चैनल है ना, इस चैनल पे मैं कोशिश करूँगा कि सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करूँ आपको, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और साथ में हिंदी भी प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगा। आप बस मेरा साथ दीजिए, पढ़ाई करिए, ज़बरदस्त पढ़ाई करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 में हम 7 का गुणा करेंगे, ए और सी का गुणा करते हैं, तो 7 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा बेटा, 49, कितना होगा, 49 होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हाँ एक बात हमने देखा, 7 × 49, ये देखिए माइनस वाला है ना, तो अगर 7 में माइनस वाले 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 49 आएगा, और जब भी गुणा करने पे माइनस वाला आता है तो ये जो b है, मतलब ये जो 48 है, मतलब कि उसको घटाने पे 48 आना चाहिए, मतलब इसका ऐसा फैक्टर करें कि उसको घटाने पे कितना है, 48 आए। चलो बेटा देखते हैं, तो 49 में 1 का अगर गुणा करेंगे तो 49 भी हो जाएगा, और 49 में अगर 1 को घटा दें तो 48 भी हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही मज़े हैं, है कि नहीं बाबू। चलो चलो देखो, अब यहाँ पे 7x² और माइनस, माइनस बाहर रहेगा, अंदर क्या लिख देंगे, अंदर क्या लिख देंगे, किस में तोड़ा था हम लोगों ने, है ना, 49xy, मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि जगह नहीं था, है ना, 49xy, और फिर जो है उसमें घटाएंगे माइनस कितना, 1xy, तो 1 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, xy लिख दो सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 7y² हो जाएगा, ठीक। चलो अब ये 7x² और माइनस
49xy और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, ये प्लस बन जाएंगे और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7y² हो जाएगा। अब दो पेयर ये उठाओ, दो जोड़ा ये उठाओ, जूते के जोड़ी यहाँ पे चप्पल का जोड़ी उठाओ, क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पे 7x कॉमन मिल रहा है। जब 7x निकल जाएगा तो x और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 7y, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है सिर्फ y कॉमन मिल रहा है तो x बचेगा और फिर माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 7y। देखो बेटा ये दोनों सेम आने चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ बात को दोहरा रहा हूँ, आप लोग एकदम पूरा ये बात फोकस करो कि ये दोनों सेम आने चाहिए, नहीं आएंगे तो फिर गलत है, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं इस वाले सवाल पे, ये थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्ट सवाल है, डिफ़िकल्ट नहीं मतलब थोड़ा सा गुणा भाग करने में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ए का सी से गुणा करना है तो 18 को हम क्या करेंगे -35 से गुणा करेंगे। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 18 5 90 का 0 हासिल 9 और 18 3 54 और 9 63 माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का गुणा होगा प्लस में तो माइनस का आएगा 630। अब क्या करना है इसको ऐसे तोड़ना है, है ना, इसको ऐसे तोड़ना है, इसको ऐसे फैक्टर करना है कि घटाने पे कितना है 53 है, कितना है घटाने पे 53 है, क्योंकि माइनस है ना तो ये घटाने पे 53 है, अगर प्लस होता तो जोड़ने पे 53 आना चाहिए था। अब 630 का फैक्टर करते हैं, 630 का कैसे फैक्टर करें, चलो फैक्टर नहीं करने आता है तो आप गुणनखंड करना तो सीखे ही हो, छोटे छोटे से सीखे हो ना, 2 3 6 2 2 2 5 10। अब यहाँ पे क्या जाएगा 3 1 3 3 5 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9 3 5 15, यहाँ पे 5 से कर लो, यहाँ पे 7 1 7 कर लो। अब देखो इसमें पेयर ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना, इसमें ऐसा पेयर बनाया जाए कि घटाने पे वो काम जो है मेरा हो जाए। तो ये 5 में 7 का गुणा कर दो, 5 7 35 है ना, और 35 हो गया, और 35 और दूना ये 70 अगर ले लिया जाए, है ना, 5 7 35 5 2 9 70 और 3 3 9 है ना, तो 70 9 घटेगा तो 61 हो जाएगा। नहीं, मुझे कितना लाना है घटाने पे 53 चाहिए मुझे, ये बात याद रखिए। तो 3 3 9 और 9 5 45 ये भी नहीं होगा, 3 3 9 और 9 7 63 और ये देखो बन गया मेरा। देखो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे मैं कर रहा हूँ, 2 × 3 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब इसमें से ना इसको ले लेते हैं, 2 3 6 है ना, और यहाँ पे क्या लिया मैंने 6 7 42 है ना, 42 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ 5 3 15 नहीं हो रहा है, देखो फिर अब जुगाड़ लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम जुगाड़ लगाते हैं, देखो 7 को ले लेते हैं साथ में, और फिर इस 3 को साथ में ले लेते हैं, कितना हो जाएगा बेटा 63 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 × 2 को साथ में ले लेते हैं तो 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मतलब कि 63 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो 630 भी आ जाएगा, और 63 में से अगर 10 घटा देंगे तो 53 भी आ जाएगा। आ गया ना मेरा, हाँ गुणनखंड करना ऐसे सीखो बाबू, बैठ के करोगे ना, मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेटा, है ना, मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतना मज़ा, जितना प्रैक्टिस उतना मज़ा। सोशल मीडिया से दूर रहो, है ना, सोशल मीडिया से अगर चिपके ही रहना है तो ऐसे वीडियोज़ को देखो, मेरे वीडियोज़ को देखो, देखो कितनी सीख मिलती है तुम्हें। 18x² और प्लस इसमें मैंने क्या किया था, 63x में से मैंने 10x को घटाया था तो 53x आ गया, और अगर गुणा भी करेंगे तो 630 आ जाएगा। क्लियर है ना बात। चलो अब देखो दो पेयर उठाओ फटाक से। अब यहाँ देखो यहाँ से क्या मुझे मिलेगा, यहाँ से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और x और प्लस, यहाँ से 3 कॉमन उठाओगे, कॉमन का मतलब मैंने बताया था पिछली वीडियो में, चलो फिर यहाँ पे बता देता हूँ, कॉमन 63 में से अगर 3 कॉमन निकालें, कॉमन का मतलब भाग देना होता है, अगर भाग दोगे तो ये 21 बार में जाएगा, मतलब कि कॉमन लिया 63 में से 3 अगर कॉमन लिया तो कितना बचा बेटा 21 बचा, माइनस है ना, यहाँ पे क्या बच गया माइनस प्लस 21 बच गया। आई थिंक हम लोग कुछ और भी कॉमन इसमें से ले सकते थे, है कि नहीं, है ना, इसमें से हम लोग कुछ और भी चाहें तो कॉमन ले सकते थे, क्योंकि 3 और कॉमन हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब 9 कॉमन हम लोग ले सकते थे, ठीक है बेटा, 3x ना लिखे 9 कॉमन ले लें, ठीक है, 9x कॉमन ले सकते थे, सॉरी, है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x और यहाँ पे क्या बच जाएगा 9 7 63, ये 2x प्लस 7 बच गया। अब माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले ले बेटा, यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं आराम से, ठीक है, 5 भी कॉमन ले लो और ये माइनस भी कॉमन ले लो, दो जगह मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 2x और माइनस बाहर है तो ये माइनस बाहर, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस क्या बदल जाएगा प्लस में, और 5 कॉमन लेंगे तो 7 हो जाएगा। देखो बेटा तुम कैसे भी सवाल करो, ये दोनों जो होना चाहिए सेम आने चाहिए, अगर सेम आया है तो कभी भी आपका सवाल जो है वो गलत
नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने जो है ये भी सवाल कर लिया ख़त्म। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और जल्दी ख़त्म करते हैं। 11 सवाल और बचे हुए हैं धर्मेंद्र बिश्नोई का। आज तक के इतिहास में किसी ने भी धर्मेंद्र बिश्नोई को सॉल्व नहीं कराया बेटा, ठीक है, मैं करा रहा हूँ और ऐसे ही लगे रहो, धड़ाक से करते हैं अगला सवाल। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 24 + 37x - 72x2, ये देखो ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये आप बहुपद का जो भी मैंने अपना जो है ना प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्लास 9th का, आप जाकर उसमें देखो, आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। -72x2 और प्लस जो है 37x और यहाँ पे प्लस जो है 24 लिख दिया। क्या करते हैं, a का c से गुणा करते हैं। चलिए भाई गुणा कर लेते हैं, 24 का 72 में गुणा करेंगे। देखो माइनस का है, माइनस में आंसर आएगा, ये बात याद रखना। 4 × 8 = 2 × 4 7 × 28 का 8 + 2 और 7 × 2 = 14 और 2 = 16 8 × 8 = 12 के 2 + 1 6 + 7 1728। अब 1728 को क्या करेंगे, गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। 2 × 8 = 16 2 × 6 = 12 2 × 4 = 8 फिर 2 × 4 = 8 2 × 3 = 6 2 × 2 = 4 है ना, 2 × 2 = 4 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12 फिर 2 × 1 = 2 2 × 8 = 2 क्या हो जाएगा, 16 फिर 2 × 5 = 10 2 × 4 = 8 फिर 27 × 54 फिर 3 × 9 = 27 फिर 3 × 3 = 9 फिर 3 × 3 = 3। अब क्या करना है कि इसमें ऐसा पेयर बनाओ ना, ऐसा पेयर बनाओ कि घटाने पे 37 आ जाए, ये दिमाग लगाना है हम लोग को, ठीक है। चलो दिमाग लगाते हैं, देखो अगर हम कर दें 2 × 4 = 4 4 × 8 8 × 2 = 16 16 × 32 कर दें और यहाँ क्या कर दें 2 × 3 = 6 6 × 3 = 18 18 × 3 = 54 कर दें, तो अगर हम 54 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 × 2 = 2 5 × 3 = 2 नहीं आ रहा है, मुझे 37 लाना है, ये बात याद रखो, ठीक है ना। मैं पेयर बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है बेटा, थोड़ा इसको ध्यान से समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्या कर सकते हैं, फिर 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 है ना, और 27 × 2 = 54 और 54 × 2 = कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और 2 × 4 = 8 × 16 ये भी नहीं बन रहा है। चलो 2 × 4 = 4 × 8 और 8 × 3 = 24 24 × 3 अगर हम 72 बना लेते हैं, 24 × 3 = 72 और 3 × 6 = 6 6 × 2 = 12 12 × 2 = 24 तब भी नहीं हमारा बन रहा है, देख रहे हो ना। तो इसको कैसे पेयर बनाए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। अब 2 × 4 = 4 × 8 8 × 2 = 16 16 × 2 = 32 32 × 2 = 64 चलो भैया ये 64 बन गया यहाँ तक, और 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 अब ये 27 कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बताओ आ गया ना। तो घटाने पे कितना आ गया, 27 का, इसको याद रखना, 64 और 27 इसको याद रखोगे तो हम लोग को यहाँ पे लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। 64 और 27 में हमने इसे क्या कर लिया, तोड़ लिया। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -72x² और प्लस इसको हमने 64x और फिर इसको माइनस जो है वो 27x लिखेंगे, ठीक है ना, याद रखना है ना, क्योंकि घटाना था ना, क्योंकि इसको गुणा किया तो माइनस का आया, और माइनस का आया तो इसका मतलब इसको ऐसे मतलब कि जो फैक्टर आया उसको ऐसे तोड़ना है कि घटाने पे कितना है, 37 आए तो 64 में 27 घटा होता आ जाएगा, और प्लस ये क्या हो गया, 24 हो गया। यहाँ पे ये दो दो का पेयर लो, इसमें क्या हम ले सकते हैं, 8x कॉमन ले सकते हैं, 8x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 9x कॉमन बचेगा, है ना, और माइनस का बचेगा मतलब यहाँ पे, या फिर आगे भी माइनस तुम कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं आगे ही माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, 8 इसमें से कॉमन निकलेगा तो 8। अब यहाँ से देखो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो और उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है तुम्हें, हमें मिल जाएगा 3 कॉमन, ठीक है। अब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9x और माइनस प्लस में से माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 × 8 = 24। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये दोनों जो होना चाहिए वो सेम आने चाहिए, अगर सेम आ रहा है ना तो फिर बेटा आप एकदम सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये क्या होगा, एक में -3 और -8x आ गया आपका, ठीक है। चलिए -3 और -8x आ गया, यहीं पे आप चाहो तो छोड़ दो या फिर माइनस कॉमन निकाल के और इसमें गुणा कर दोगे तब भी हमारा काम जो है वो बन जाएगा, बट यहाँ पे भी अगर आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब इसको देखते हैं, अब जल्दी जल्दी मैं करूँगा, ठीक है ना। इसको -5x² लिख देंगे, -x और ये प्लस का 4 लिख देंगे, ठीक। अब 5 का 4 में गुणा करते हैं तो 5 × 4 = कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस आएगा। अब इसका मतलब कि इस 20 का ऐसे फैक्टर करें कि घटाने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, x का गुणांक क्या है, 1 है तो 1 आना चाहिए। अब ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, 5 में से 4 अगर जाएगा तो 1 भी हो जाएगा, 5 × 4 = 20 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, -5x² लिख लेते हैं, ठीक है।
और माइनस बाहर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5x और माइनस 4x और प्लस का 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 5x, अब ये देखिए माइनस 5x, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस 4x और ये प्लस 4 हो गया। अब ये दो दो पेयर बना लो, अब इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, 5 और x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस, और यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी माइनस तो कॉमन हमने लिया ही नहीं है, जब माइनस नहीं कॉमन लिया है तो ये माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर माइनस का x बच जाएगा। यहाँ पे x क्या बचेगा, 5x तो पूरा ले लिया तो 1 बचेगा ना, 5x पूरा हट गया 1 बचेगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है कि प्लस 4 है ना, प्लस 4, अब यहाँ पे प्लस 4 और कॉमन लेंगे तो देखिएगा, अभी मैं दिखाता हूँ, अगर हम प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और प्लस 1। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो कुछ और आया है, यहाँ पे कुछ और आया है, तो हम लोग का गलत हो जाएगा है ना, गलत हो जाएगा हम लोग का जो भी हमने लिया है। तो या तो दो काम कर सकते हैं, देखिए इस वाले में हम माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो हमारा जो है दोनों सेम सेम आ जाएगा है ना। या फिर एक और काम कर सकते हैं, ये प्लस प्लस है ना, तो इधर माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दोनों सेम आ जाते हैं, समझ रहे हो ना बात को। चलो ये x प्लस 1 हो जाएगा और ब्रैकेट में माइनस 5x प्लस 4 हो जाएगा, या फिर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 5x भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है लड्डू। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो अब माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 8 लिख देते हैं, क्या करेंगे 5 का 8 में गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब कि इसको ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे 6 आए। अब 6 कैसे आएगा भैया, 10 चौका 40 भी कर दें और 10 में से अगर 4 घटा दें तो 6 आ जाएगा। वाह वाह कितनी तेज़ी से हो रहा है, ये सब प्रैक्टिस से होता है बेटा, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होते जाओगे, अपने काम में निपुण होते जाओगे, ठीक है ना। 10 में से 4 अगर घटेगा 4x तो कितना आ जाएगा, ये 6x आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए है ना, अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस कॉमन निकाल लिया करो, जब ऐसा कंडीशन हो तो माइनस कॉमन निकाल लो, फिर 5 निकाल लो और x निकाल लो, 5x निकल गया तो x बचेगा है ना, और ये माइनस कॉमन निकाल रहा है तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे एक्स बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देखो ये दोनों सेम आने चाहिए, बार बार मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस 5x और माइनस 4, माइनस 5x और माइनस 4, एक काम और कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस माइनस को हम क्या करें, बाहर निकाल देते हैं, माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये 5x प्लस का और ये 4 भी प्लस का, लेकिन ये जो माइनस है इसमें गुणा अगर कर दें तो x जो माइनस 2 है वो प्लस का हो जाएगा और x जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 सवाल और बचे हैं, 8 सवालों को करके और जल्दी काम को करते हैं फिनिश, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ये एकदम सेम वैसा ही सवाल है। चलिए मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, ऐसा नहीं कि साइन चेंज कर दो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हो तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 20 विषम कितना आ जाएगा, 400, और ये माइनस का है तो ये माइनस का, और इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पे 9 आए, क्या है, इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पे 9 आए, ठीक है ना, ये बात याद रखिए कि घटाने पे 9 आए। अब घटाने पे 9 अगर मुझे लाना है तो 400 का मुझे करना पड़ेगा क्या, फैक्टर करना पड़ेगा। चलिए फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, 200 फिर 100 फिर 50 है ना, फिर 25 फिर 5 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। अब क्या करें, इसी में से पेयर बनाते हैं और पेयर बना के क्या करते हैं हम, इस 400 का गुणनखंड करके और घटाने पे मेरा 9 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, ठीक है, और 5 × 5 = 25 हो गया। 25 और 16 का अगर गुणा करेंगे तो 400 भी मिल जाएगा और 25 में से अगर 16 घटाएंगे तो 9 भी मिल जाएगा। यही सबसे बड़ा यहाँ पे रीज़न है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो ये, अगर आप सीख गए कि कैसे पेयर बनाते हैं, कैसे गुणनखंड करते हैं, तो आपको कितना भी बड़ा आपका गुणनखंड आ जाए आप एकदम आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना।
बीस एक्स स्क्वायर, और माइनस जब बाहर रहेगा तो अंदर हमेशा ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है ना, दुल्हन है छुपा लिया करो, ठीक है, फिर 25x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर घटाना कितना है मुझे 16x घटाना है, है ना, तो इन दोनों को घटाना के 16x और प्लस 20। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस 20x स्क्वायर और माइनस ये 25x और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में 20 हो जाएगा। यहाँ पे फिर दोनों का पेयर ले लेते हैं, उठा लेते हैं, क्या कॉमन मिलेगा यहाँ पे, 5 कॉमन मिलेगा, माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस भी कॉमन निकाल लीजिए, एक्स भी कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे 4x, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 5 बच जाएगा, ठीक है, चलिए सॉरी माइनस यहाँ पे निकला तो ये तो प्लस हो गया और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, अरे भाई माइनस कॉमन निकल तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ये छोटी छोटी बातें आप भी लोग फोकस करते रहो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन निकालेंगे, हाँ 4 कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 16 है तो 4x, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5। ये दोनों सेम आने चाहिए, बार 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 इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, प्लस का 4 है तो इसको आगे लिख लो, और 5x जो है माइनस का है तो इसको पीछे लिख लो, दैट्स इट, क्लियर हो गया बात यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये ए और सी का गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा बेटा, 35 में 6 का गुणा करोगे तो 6 पच्चीस 30 का 0 हासिल 3, और 36 18 3 21। अब 210 को ये प्लस का है, याद रखो ये प्लस का है, पॉजिटिव आया है, वहाँ पे निगेटिव आया था, यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब कि इस बीच वाला मतलब इसका ऐसे फैक्टर करो कि मतलब ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर कितना है 31 आए, तो ये बहुत ही आसान है। देखो 21 दहा में 210 और 21 में अगर 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, फोकस करो बस बात पे, ठीक है ना। 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31, और 10 करेंगे तो 210, फैक्टर कर दिया मैंने। अब 6x स्क्वायर और माइनस जब बाहर रहेगा तो बार बार बोलता हूँ कि ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है ना, ये 21x और प्लस कितना हो जाएगा 10x, अगर जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 31x हो जाएगा, और 21 में 10 का गुणा करेंगे तो 210 भी आ जाएगा। अब देखो ये 6x स्क्वायर और माइनस 21x, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, और ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। दो पेयर लो फटाक से, है ना, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा 3x कॉमन मिलेगा, 3x कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर 2x और माइनस, यहाँ से 7 बच जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है 5 कॉमन मिल रहा है, माइनस देखो बाहर कॉमन लिया है, याद रखते रहो। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल मैंने करवा दिए है ना, यहाँ पर क्या बच जाएगा यहाँ पर 2x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस कॉमन लिया तो माइनस 7। ये दोनों सेम आने चाहिए, बार बार ये बात मैं बोल रहा हूँ कि दोनों सेम आने चाहिए, अगर दोनों सेम आए हैं तो आपका सवाल जो है वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, है ना, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस 21x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस का 5 हो जाएगा। क्या करेंगे 21 में 5 का हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 105 आएगा। और एक बात ये भी याद रखनी है कि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, और जब निगेटिव आता है तो क्या करते हैं बीच इसका ऐसा फैक्टर करते हैं कि घटाने पर कितना है 32 आए, है ना, कितना है घटाने पे 32 आए, तो 105 किस पहाड़े में आता है ना, कितना घटाने पे 32 आना चाहिए, ये बात भी फोकस करिए कि घटाने पे 32 आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये बात ज़्यादा फोकस करना है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करें, 3 से कर सकते हैं, 3 3 9 और 3 5 15 और फिर 5 7 35 और 7 1 ये 7 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 7 5 35 और 35 में से 3 जाएगा तो देखो 35 3 कितना होगा, 35 3 105 भी होगा, और 35 में से अगर 3 घटाएंगे तो 32 भी आ जाएगा। मेरा वही तो मोटो था, वही मोटो था ना आपका, वही उद्देश्य था ना कि हमें क्या करना है, ठीक है ना, लड्डू गोपाल ठनठन गोपाल बैठ के आराम से बस देखो मज़े आ जाएंगे, अगर बैठ के कॉपी पर बैठ के सवाल सॉल्व करते रहो समझते रहो मज़ा आ जाएगा, ये बात जान लो, है ना। अब ये देखो 32x को क्या करेंगे यहाँ पे, 35x और माइनस 3x लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो ये दो पेयर ले लो, ये दो पेयर उठा लो, इसमें से माइनस कॉमन उठा लो, और उसके बाद से तुम क्या उठा सकते हो 7x कॉमन उठा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो माइनस कॉमन उठाओ, और जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो 1 लिख देते हैं, ये 3x हो जाएगा, माइनस कॉमन उठाया है तो माइनस 5 हो जाएगा, ये देख रहे हो ना सेम। मैं बार बार यही तुम्हें इंडिकेट कर रहा हूँ कि सेम आने चाहिए,
है ना, -7x -1। मैंने अभी ये वाला बात बताया था कि कैसे कर सकते हो, ठीक है फिर एक बार बता देता हूँ। यहाँ से माइनस कॉमन उठा लोगे तो ये दोनों प्लस के बन जाएंगे, तो मतलब कि ये हो जाएगा 7x और प्लस 1, और ये हो जाएगा 3x और -5। और अगर इस माइनस का गुणा इसमें हम कर दें तो ये -5 जो है वो प्लस का हो जाएगा और 3x जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो आंसर तुम चाहो बेटा तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। और इस माइनस को ऐसे बीच में करके मत लिखना, गुणा डाल देना, क्योंकि ना कई लोग समझेंगे कि 3x-5 और -7x+1 है, ठीक है। तो इनटू डाल देना, यहाँ पे हो गया आंसर हो गया, ठीक है। दैट्स इट है, बस कुछ इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलो और बाकी के सवाल करके इस एक्सरसाइज को जल्दी ख़त्म करके अगले वाले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 72 का गुणा करते हैं 72 से, है ना। 72 का गुणा करते हैं 72 से, 2 × 4 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 के 4 हासिल 1, और 7 × 7 = 49 और 1 = 50 हो गया। ये 4 × 4 = 8 5184। अब इसको कर देते हैं गुणनखंड। अब देखिए ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ये पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर तो इसका मतलब कि इस 5184 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 145 आए। याद रखिएगा जब पॉजिटिव आएगा तो इस नंबर को ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 145 आए, और अगर माइनस आएगा तो ऐसा फैक्टर करना है कि इसको घटाने पे 145 आए, ठीक है ना। ये बात जरूर फोकस करना है, ये बात को अगर नहीं देखा है पहला वीडियो तो पहला वीडियो जरूर जाके आप देखें, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको हम करते हैं, 2 × 4 2 × 5 = 10 2 × 9 = 18 2 × 4 ठीक है, 2 × 1 = 2 2 × 4 है ना, 1 बचेगा 2 × 9 = 18 2 × 6 = 12 फिर 2 × 6 = 12 2 × 4 = 8 है ना, 2 × 4 = 8 और 2 × 8 = 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 × 3 = 6 2 × 4 और 2 × 6 = 8 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12 2 × 9 = 4 हो जाएगा, फिर 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 = 27 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 9 = 27 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 3 = 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 1 = 3 हो गया। अब क्या करना है, ये जितने भी हमारे फैक्टर्स आए हुए हैं, ठीक है, जितने फैक्टर्स आए हुए हैं, ठीक, इस फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, पेयर में लेके और देखेंगे किसको जोड़ने पे 145 आ रहा है। देखो तो 2 × 4 4 × 8 8 × 9 = 16 16 × 9 = 32 32 × 9 = 64 और इसको क्या करेंगे, 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 27 × 3 = 81 मतलब कि 64 × 81 है ना, 64 × 81 अगर इनको हम आपस में जोड़ेंगे, पहली बात तो 64 × 81 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 5184। अब कहोगे सर कैसे, अरे बेटा ये फैक्टर ही हुआ है ना, तो मैंने सारा नंबर लिया, देखो 2 2 2 2 2 को इन सबको एक साथ ले लिया, और ये नीचे का जो 3 3 3 3 3 बचा है उनको एक साथ ले लिया, इनको गुणा करने पर कितना आ रहा है 64, और इनको गुणा करने पर कितना आ रहा है 81। 64 में 81 अगर गुणा किया तो 5184, और 64 में अगर हम 81 को जोड़ेंगे तो 145 आएगा। तो यही तो मुझे करना था ना, अरे सिंपल है बेटा, बस थोड़ा सा फोकस करोगे ध्यान से सब कुछ समझ में आएगा, है ना, एकदम आराम से समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या हुआ, 72x² और माइनस बाहर है तो अंदर जो है उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 64x, और जोड़ोगे कितना, इसमें कितना जोड़ना है 81x को जोड़ना है, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया 72 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 72x² -64x, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, है ना, प्लस 72 हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 का पेयर बना लो, यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा आपको, 8x कॉमन मिल जाएगा, 8x कॉमन मिलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9x, और माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा 8, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से भी आप चाहें तो 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 9, और माइनस भी कॉमन लीजिए, देखिए माइनस भी कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 9x, और ये प्लस का है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो गया, ये 8 हो गया। ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम आने चाहिए, सेम आने चाहिए, सेम आने चाहिए, और एक ब्रैकेट में इसको लिख देंगे 8x-9। क्लियर हो गया, बात ख़त्म। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा सा ना थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए आप कहोगे सर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये तो द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा देखिए तो, है ना, देखिए x^5 और 4x है, ठीक है, x^5 और ये x का अगर हम गुणा करेंगे, x^5 और x का अगर हम गुणा करेंगे तो हम लोगों ने a^m+n वाला सूत्र पढ़ा है, 5 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, x^6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बीच में है 5x³, तो हम क्या करते हैं, इस बीच वाले को तोड़ते हैं ना, तो x³ × x³ कितना हो जाएगा, 3 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ इस बात को कि गुणनखंड इसका भी कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और 1 का 4 में गुणा करेंगे
तो 1 × 4 बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव नंबर आया है तो 4 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पे 5 आ जाए, है ना। तो 4 और 1 5 भी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने गुणनखंड कर लिया, लेकिन मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ, देखिए x^5 का x में गुणा हुआ तो कितना हुआ, x^6 हुआ। और हम इस 5x³ को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके हिसाब से 4x³ और प्लस x³, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5x³ तो आ जाएगा, लेकिन अगर 4x³ का अगर हम x³ में गुणा करेंगे, 4x³ का अगर हम x³ में मतलब x³ का गुणा करेंगे तो x^6 भी आ जाएगा। मेरा मतलब ये है कि x^6 और x^6 दोनों को गुणा करने पर x^6 भी आ जाएगा, है ना। और x^5 पर x को गुणा करने पर x^6 आ रहा है, इसलिए इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भले ही ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम इसका और इसका गुणा कर रहे हैं तो x^6 आ रहा है, और x³ को अगर तोड़ रहे हैं तो उसको भी गुणा करने पर x^6 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ ये देखना कि आप कैसे गुणनखंड कर सकते हो, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 4 × 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 भी आ जाएगा। चलिए गुणनखंड करते हैं, ठीक है। मुझे बस समझाना था यहाँ पे थोड़ा आप लोग को दिमाग लगा के, है ना। माइनस, अब 5x- बाहर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने क्या लिखा था, 4x³ और प्लस का x³ और प्लस 4x। यहाँ आप क्या करेंगे, x^5 और माइनस 4x³ और माइनस x³ और प्लस का 4x। यहाँ पे दो दो हैं तो कॉमन उठाइए फटाक से, x³ जो है वो कॉमन उठा लीजिए, तो ये x² और माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ पे जब कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, x² और यहाँ पे ये माइनस कॉमन उठा लिया तो ये माइनस का 4 हो गया। ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम आए हैं, x² - 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचेगा, x³ - x। अब यहाँ से हम चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए, x² और माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, a² - b², है ना, एक ब्रैकेट में, और इसमें से हम x जो है कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² और माइनस 1 बचेगा, तो 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा फोकस करिएगा, अभी a² - b² बन गया, तो एक ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं x+2 और एक ब्रैकेट में x-2। अब चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, तो ये x बाहर ही रहने दीजिए, और ये a² - b², तो एक ब्रैकेट में x+1 और एक ब्रैकेट में x-1। ये हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ तक कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1, ये भी थोड़ा उसी के जैसा है, ठीक है ना। 1 का गुणा करेंगे 100 में, 1 का गुणा करेंगे 100 में, वही मतलब 100 आ गया। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो 100 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पे 29 आए, आसान है। 25 × 4 कितना हो जाएगा, 100, और 25 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 भी आ जाएगा। कितना आसान है, ठीक है सर, आपके लिए तो आसान है, हम लोग के लिए कठिन है। नहीं बेटा, किसी के लिए भी कठिन या किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, सब प्रैक्टिस की बात होती है, सारा प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस आप करोगे, आपका माइंडसेट और ज़्यादा तेज होगा, आप आगे बढ़ोगे। कभी भी अपने आप को कमतर नहीं आंकना चाहिए, है ना, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ बाबू, ठीक है। चलो, x^4 माइनस, अब यहाँ पे 25x², ये माइनस अंदर जाएगा तो -4x² और ये प्लस का 100 हो जाएगा। यहाँ पे फिर पेयर उठाओ, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, x² कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, x² और यहाँ क्या बच जाएगा, -25। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 4, माइनस भी कॉमन लोगे तो यहाँ पे जब 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x² और यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 25। तो ये दोनों सेम आ गए, बार बार बोलता हूँ कि सेम आने चाहिए, ये तो मैं बोल के थक चुका हूँ, है ना बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग को याद रहे, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इसको फिर और यहाँ पे भी चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम चाहें तो अपना बुद्धि, जब हमें पता है कि हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे। इसको x² - 5 का 25 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे ठीक वैसे ही ये x² है माइनस ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर है, हाँ। तो ये a² - b², ये भी a² - b², तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया x+5, एक ब्रैकेट में लिख दिया x-5, इसको लिख दिया x+2 और इसको लिख दिया x-2। ये हो गया हमारा आंसर, बहुत आसान है ये सवाल। अब दो और सवाल बचे हैं, इसको ख़त्म करके और करते हैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म, और उसके बाद अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए,
तो अब दो सवाल और बचे हुए हैं, इनको करते हैं ख़त्म और इस एक्सरसाइज को करते हैं ख़त्म, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। 9a-2b का होल स्क्वायर प्लस 4a-2b-13 है, तो यहाँ पे हम इनका गुणा भाग न करके इस a-2b और a-2b को हम मान लेते हैं कि ये जो है ये x के बराबर है। मान लेते हैं कि माना जो है a-2b जो है वो x के बराबर है। अब 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए a-2b की जगह हम x लिख लेते हैं, क्योंकि x माना है हमने, यहाँ पे भी x और यहाँ पे -13। अब 9 का हम क्या करेंगे, हम 9 का 13 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 13 में 9 का गुणा किया तो कितना आया बेटा, 117 आया। अब ये जो है ना माइनस का है, -13, तो ये माइनस का आएगा, ये जो है निगेटिव आएगा। और अगर निगेटिव आया तो हम लोगों ने पढ़ा है कि निगेटिव आया तो इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि घटाने पे 4 आए, घटाने में क्या आए 4 आए, तो 13 9 117 भी होगा, और 13 में से अगर 9 को घटाएंगे तो 4 भी आ जाएगा। दैट्स इट, है ना। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, 9x² और माइनस, अब यहाँ पे बाहर माइनस है इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे 13x और माइनस 9x, और माइनस जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। यहाँ पे 9x² और माइनस, अब यहाँ पे 13x, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो दो पेयर ले लीजिए, यहाँ पे x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 9x और -13 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस और 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो 9x, और ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का, यहाँ पे आई थिंक हम लोग को माइनस कॉमन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बस एक कॉमन लें तो ये 9x तो रहेगा, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो 9x का 9x रहेगा, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। देखिए जब प्लस अगर बाहर रहेगा तो कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, अगर माइनस हम कॉमन लेते तो ये माइनस प्लस में बदल जाता है, लेकिन अगर प्लस है तो ये बदलेगा नहीं, ये बात याद रखिए। और यहाँ पे देखिए दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है ना, 9x-13 आ गया और एक ब्रैकेट में x+1 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमने जो x को माना था वो चीज़ ला के रख देते हैं, तो 9 और x की जगह पे हमने क्या माना था, a-2b माना था और -13 रख दिया। यहाँ पे भी x का वैल्यू आप रख दीजिए, a-2b और +1 रख दिया। ठीक है, अब 9 का अंदर गुणा कर देते हैं, 9 है और फिर इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18b और माइनस कितना हो गया 13, और ये भी हो गया a-2b और +1, ये हो गया हमारा आंसर, आराम से आंसर हो गया हमारा। अब इस लास्ट सवाल को करते हैं, लास्ट सवाल क्या है, 7 का गुणा करेंगे 21 में तो 21 सत्य कितना हो जाता है, 147 हो जाता है, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये निगेटिव आ रहा है। ठीक है, निगेटिव आ रहा है, अब क्या निगेटिव बात है तो क्या करते हैं, फैक्ट मतलब कि इसको ऐसे तोड़ेंगे कि क्या हो, घटाने पे हमारा क्या हो 14 आ जाए, तो 21 में से अगर 7 घटाएंगे तो 14 भी मिल गया, और 21 में 7 का गुणा करेंगे तो 147 भी मिल जाएगा। चलिए अब हम क्या करें, इसको तोड़ देते हैं, 7x² माइनस बाहर है तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, 21x और माइनस यहाँ पर लिखेंगे y², देखिए xy² है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, थोड़ा मिटा देते हैं, xy² और माइनस 7xy² और -21y³ हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 7x² y और -21xy² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7xy² और -21y³ हो गया। ठीक है, ये दोनों पेयर बन गए। ठीक है, अब ये दोनों पेयर बन गए तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 7xy कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ पे, x बचेगा अकेले, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा, 3, और x भी निकल गया, एक y भी निकल गया तो एक y बच जाएगा। यहाँ से प्लस 7y² कॉमन निकाल लेते हैं, देखो 7y² इसमें भी y² दोनों में से कॉमन है इसलिए y² कॉमन निकले, यहाँ पर क्या बचेगा x और माइनस, यहाँ से क्या बचेगा 3, और y² निकला है, 2 निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा। ये देखो ये दोनों सेम आ गए, यही तो मेरा सबसे बड़ा फंडा होता है कि इसको ये जो है ना सेम लाना है। अब यहाँ क्या होगा, 7xy और +7y² यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम चाहें तो 7y कॉमन निकाल सकते हैं, 7y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, y बच जाएगा। यहाँ पे हम आंसर इसको छोड़ देंगे, और इस तरीके से इस एक्सरसाइज का होता है द एंड।
हो गया ये द एंड, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना मेरे बच्चों। चलो चलते हैं।